जिले में बुधवार को एक साथ दो पदाधिकारियों ने पदभार ग्रहण किया एवं दो पदाधिकारियों का यहां से विदाई भी किया गया। जानकारी के अनुसार जिले के 41वें में उपायुक्त के रूप में वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने पदभार ग्रहण किया है एवं वही 29वें उप विकास आयुक्त के रूप में गरिमा सिंह ने पदभार ग्रहण किया। वही तत्कालीन उपायुक्त दिलीप कुमार टोपो एवं तत्कालीन उप विकास आयुक्त अखौरी शशांक सिन्हा ने क्रमशः प्रभार ग्रहण कराया। इस मौके पर नव पद स्थापित उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त ने जिले के विकास की परिकल्पना को साकार करने के लिए अपनी तत्परता दिखाने की बात कही। कहा कि आपसी सामंजस्य स्थापित करते जिले का चूमुखी विकास किया जाएगा, इस कार्य में जन सहयोग अपेक्षित है। इधर दोनों पदाधिकारियों का विदाई समारोह आयोजित कर जिले के पदाधिकारियों ने भावभीनी विदाई दी। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि लोहरदगा जिले में उपायुक्त के तौर पे मेरा पदस्थापन हुआ है और मैं चाहूँगा कि सभी के सहयोग से हम लोग आगे बढ़े, जितना भी जहाँ तक हम लोग हैं वहाँ से और आगे बढ़ने की सोच हम लोग रखें और प्रगति और विकास के दिशा में हम लोग आगे बढ़ते चले जाएं और सारे ही जिला के सभी लोगों के लिए अच्छा काम करें और एक बेहतर और उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग मिल के साथ में सब लोग काम करें। देखिए हर डिस्ट्रिक्ट हर जिला में अपने अलग समस्याएं भी होती हैं और एडवांटेजेस भी होते हैं। तो आज मेरा यहाँ पहला दिन है तो मुझे यहाँ पे कुछ दिन लगेंगे जो यहाँ की वातावरण को समझने के लिए, उसके बाद निश्चित तौर पे प्रायोरिटी निश्चित करके ही आगे बढ़ेंगे। प्राथमिकता यही होगी कि जो मुझे DDC के पद के साथ सरकार ने जो दिया है उसकी जितनी भी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो मैं पूरा करूँ, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उसको और अच्छी तरीके से और मेहनत से यहाँ के स्टाफ और हम लोग लागू करवाएं। अभी तक तो यही प्राथमिकता है। मैडम, हमेशा कुछ नया करने के लिए आप चर्चा कर रहे हैं, तो लोहरदगा के लिए कुछ सोचा है? बिल्कुल, हम बिल्कुल नया कुछ करेंगे लोहरदगा में। एक बार मैं आऊँ यहाँ पर, काम समझूँ, देखूँ यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ की क्या ज़रूरतें हैं लोहरदगा की, उसके हिसाब से हम लोग कुछ नया कुछ इनोवेटिव बिल्कुल करेंगे। मैडम, लगातार यहाँ अभियान चल रहे थे, अखबारों में चैनलों में विषय बना हुआ था, ऐसे में लोहरदगा का आपका ट्रांसफर होना, किन सवालों को आपके मन में खड़ा किया और क्या सोचा? देखिए, अभी तो मैं किसी चर्चाओं को लेके मैं बात नहीं करना चाहूँगी। अभी जिस काम के लिए मुझे यह पद मिला है अभी वही करने के लिए यहाँ पर आया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।